हेलो फ्रेंड्स, सक्षम जी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चाय तो हम डेली पीते हैं, सभी के घरों में बनती है, लेकिन आज हम आपको जिस तरीके से चाय बनाना सिखाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप डेली उसी तरीके से चाय बनाएंगे, एक अलग ट्रिक से बनाएंगे। तो वीडियो का आप पूरा देखें, जो हम चाय बनने के बाद कुछ ट्रिक यूज करेंगे जिससे चाय एकदम स्वादिष्ट बढ़िया बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए हमने लिया है एक कप, हम दो कप चाय बनाएंगे। तो दो कप के लिए मेजरमेंट तो ये होगा कि एक कप दूध और एक कप पानी, लेकिन हम यहाँ पर डेढ़ कप पानी ले रहे हैं क्योंकि आधा कप पानी लगभग जल जाता है हमारा। और ये हमने पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। तो पानी में सबसे पहले डालेंगे हम चीनी। हम दो कप चाय बनाने वाले हैं तो एक कप में एक चम्मच चीनी जाती है, तो हमने इसमें दो चम्मच डाल दिए। और मैं चाय थोड़ी सी ज्यादा मीठी पीती हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूँ। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज्यादा। तो अब इसमें हमने चाय बनाने के लिए चीनी डाल दी है। और अब हमने फ्रेंड्स ये अदरक का टुकड़ा और दो इलायची ले रखी है फ्रेंड्स, और इनको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। कूट के इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अदरक और इलायची को कूट लिया है, हम इसमें डाल देंगे। सब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तो इसमें चाय पत्ती पहले डाल देते हैं, तो चाय पत्ती हमें अभी नहीं डालनी है। अब इसमें थोड़ी देर हम इसको उबलने देंगे। अगर आपके गले में खराश या खांसी वगैरह कुछ है तो इसमें आप दो लौंग यूज कर सकते हैं, पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको इसी से बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। तो हमने एक चम्मच चाय पत्ती डाली है इसमें, और इसमें हम एक उबाल अच्छे से आने देंगे। चाय हमारी अच्छी तरीके से उबल चुकी है फ्रेंड्स। अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो हम इसमें एक कप दूध डाल रहे हैं, ये हमने एक कप दूध डाल दिया है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे उबलने देंगे, एक उबाल आ जाएगा फिर हम गैस को स्लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चाय में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं चाय में उबाल आ चुका है। मैंने थोड़ा सा धीमी कर दी थी। और अब इसको हम कर देंगे बिल्कुल स्लो, गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब हम इसको ऐसे ही उबलने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक जो है लास्ट में हम यूज करने वाले हैं चाय बनाने के लिए, तो वो है मलाई। तो हमने ये मलाई ले ली है, आप देख सकते हैं। मलाई को हम इस तरीके से फेंट लेंगे। मलाई बिल्कुल ताजी होनी चाहिए हमारी फ्रेंड्स, जैसे आज की ही हो, उसी दिन की रखी हुई ना हो। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो होटल्स में चाय मिलती है ना, तो वो लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल मलाई का यूज कर रही हूँ, इससे बहुत ही टेस्टी चाय बन जाती है। वैसे मैं जो किचन में चीजें अवेलेबल होती है, कोशिश करती हूँ मैं उन्हीं सारी चीजों को यूज करके रेसिपी बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। तो ये हमारी मिक्स हो चुकी है। तो अब हम डाल देंगे इसको चाय में। ये देखिए, हमने चाय में डाल दी है फ्रेंड्स। अब चाय हमारी बहुत टेस्टी बनने वाली है। बोलते हैं ना मलाई मार के चाय, तो ये बिल्कुल बस मलाई मार के चाय बनने वाली है। अब इसको 3 से 4 मिनट हम उबलने देंगे इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, चाय को 1 से 2 बार हम बीच बीच में इस तरीके से चला देंगे। आपने देखा है मार्केट वाली चाय में वो लोग चाय को चला देते हैं, और बहुत ही अच्छी चाय बनने वाली है। बस 1 से 2 मिनट हमें और पकाना है, इसको उबलने देना है ऐसे। तो ये देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है चाय, और पीने में तो और भी अच्छी लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसी ट्रिक से चाय बनाएंगे, एक बार आप बनाकर जरूर देखें मेरी तरह से। तो चाय हमारी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाय गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।